हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, तो ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द कन्वेंशनल वे टू असेसेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन इज टू लुक एट द क्वार्टरली, दैट इज 3 month, एंड एनुअली, दैट इज 12 month जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, एंड कंपेयर इट टू प्रीवियस क्वार्टर्स एज वेल एज ईयर्स। मतलब 3 महीने का निकालो, 12 महीने का निकालो, और उसको प्रीवियस 3 महीने से, प्रीवियस 12 महीने से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए। इन द क्वार्टरली रिलीज ऑफ जीडीपी फिगर्स बाय एनएसओ। एनएसओ आपका होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल, हाँ देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। द कंट्रीज परफॉर्मेंस इज लिंक्ड टू रिव्यूइंग अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ये रिपोर्ट कार्ड होगा एक तरीके से कंट्री का। हाउएवर, अ क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन रिव्यूइंग अ रिपोर्ट कार्ड एंड इंडियाज इकोनॉमिक फिगर इज दैट द लेटर टेल्स अ फार मोर नॉन स्टोरी। मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टोरी बताता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का, ये क्वार्टर क्वार्टर वन हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। द क्वार्टर वन डेटा कवरिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम अप्रैल टू जून। चाहिए, मैं 3 महीने आपको ईयर के बताया हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अप्रैल टू जून फाइनेंशियल ईयर 2024 बूस्ट्स अ नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड रियल ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, नॉमिनल ग्रोथ रेट एंड रियल ग्रोथ रेट, ठीक है। द ग्रोथ स्टोरी ऑफ करेंटली पोस्ट एज द नंबर रिफ्लेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, दैट द नंबर रिफ्लेक्ट्स एन अपटिक इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोइंग एट 3.5%, अनलाइकली टू बी सस्टेन ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द एल नीनो फिनोमिना एंड दी सर्विस इंडस्ट्री विथ फाइनेंशियल्स, रियल स्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस ग्रोइंग एट 12.2%। मोर एवर, देर इज ऑल्सो टॉक ऑफ सस्टेनिंग अ क्लोज टू 6.5% ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। हाउ एवर, अ क्लोजर लुक एट द नंबर्स प्रोवाइडेड अ फार मोर इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रोथ। अब देखते हैं क्लोजर लुक क्या है। देखिए, कैलकुलेटिंग जी डी पी, द फर्स्ट फैक्टर टू कंसिडर इज दैट कैलकुलेटिंग द जी डी पी ग्रोथ रेट इन्वॉल्व्स मेनी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल चॉइसेस एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। वन सच डिसीजन दैट डिसीजन द एन एस ओ मेड, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आपके जी डी पी कैलकुलेट करता है, मेड वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च वॉज टू यूज द इनकम अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग जी डी पी। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, जी डी पी 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, 1, 2, 3। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझको बताइए कमेंट बॉक्स में। रेदर देन एक्सपेंडिचर अप्रोच, तो दो तो यहाँ पे बता दिया इन्होंने, एक तो इनकम अप्रोच होता है, एक तो एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है, और एक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक इनकम हो गया, एक एक्सपेंडिचर हो गया, और एक आपका होता है वैल्यू ऐड, जितना हो रहा है वो ऐड करेंगे, तो एक वो हो जाता है वैल्यू ऐड मेथड। द इनकम अप्रोच इन्वॉल्व समिंग ऑफ ऑल नेशनल इनकम्स फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग फॉर अदर एलिमेंट्स सच एज टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। द अजम्पशंस जनरली इज दैट बोथ मेथड्स लीड टू सिमिलर रिजल्ट्स। हाँ, मतलब अब जी डी पी कैलकुलेट हो रहा है, तो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, नंबर तो एक ही आना चाहिए, क्योंकि अब इसका डेफिनेशन एक है कि एक साल में, वन फाइनेंशियल ईयर में, इंडिया के बॉर्डर के अंदर कितनी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसके फाइनल गुड्स की वैल्यूज जो होंगी वो जीडीपी का सम ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ वैल्यू होगी, उसको जीडीपी बोलेंगे। तो वो किसी भी मेथड से निकाले तो उसका वो सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे वही बात करिए। हाउएवर, द एक्सपेंडिचर अप्रोच डिक्टेट्स हेडलाइन ग्रोथ टू बी 4.5% रेडर देन 7.8%। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में देखिए 4.7% हेडलाइन ग्रोथ बता रहा है। अब देखिए, दो चीज़ होता है, एक हेडलाइन होता है, एक कोर होता है। कोर और हेडलाइन, यहाँ पे हम लोग वोलाटाइल फैक्टर्स ले लेते हैं हेडलाइन में। आप देखिए, जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है फूड, फ्यूल, और यहाँ पे कोर में नहीं आता है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए, और इसके ऊपर क्या, ये सारी चीज़ें जीडीपी में ही कैलकुलेट होंगी, तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार। विच इज़ लार्ज डिस्क्रिपेंसी। मोर एवर, अनदर एसेंशियल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन इज द एडजस्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग द प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर भी एक टर्म हो जाता है। टिपिकली द डिफ्लेटर इज मेंट टू एडजस्ट ग्रोथ फिगर्स व्हेन दे आर ओवरस्टेटेड बाय इन्फ्लेशन। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको जीडीपी का डेफिनेशन में, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वैल्यू क्या हो गया आपका,
वैल्यू हो गया उसका प्राइस और उसका क्वांटिटी। पर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी भले कम रहेगी, ज़्यादा इन्फ्लेशन रहने से आपका जीडीपी डेटा ज़्यादा इन्फ्लेटेड ज़्यादा दिखाएगा, एग्जेजरेटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि इन्फ्लेशन के वजह से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ओवर स्टेटेड डेटा दिखाएगा। इन दिस केस डिफ्लेशन ड्यू टू फॉलिंग कमोडिटी प्राइजेस रिफ्लेक्टेड इन दी होलसेल प्राइज इंडेक्स, यहाँ पे डब्ल्यू पी आई की बात हो रही हैज़ वर्क टू ओवर स्टेट द रियल ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे रियल ग्रोथ को ये लोग खोजना चाह रहे हैं उससे। फर्दर मोर देर इज अ बेस इफेक्ट फ्रॉम कोविड-19 डी ग्रोथ पीरियड। अब देखिए बेस इफेक्ट क्या होता है, पिछले साल, अब पिछले साल नेगेटिव गया तो इस साल थोड़ा भी पॉजिटिव होगा तो वो लगेगा ज़्यादा है, ज़्यादा नेगेटिव। और कभी ऐसा होता है पिछले साल बहुत ही ज़्यादा 10% ग्रोथ हो गई तो इस साल का थोड़ा ग्रोथ भी लगेगा, अरे 1 ही% मतलब अच्छा खासा ग्रोथ भी लगेगा, 1% है। तो वो डेटा को थोड़ा गलत दिखाता है क्योंकि हम लोग उसको लास्ट वाले क्वार्टर से ईयर से कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे बेस इफेक्ट की, ये बेस इफेक्ट हो जाता है कि लास्ट टाइम का डेटा कैसा था, अगर वो बहुत ज़्यादा आया होगा तो अभी का डेटा कम लगेगा, या वो बहुत ख़राब होगा तो अभी का डेटा लगेगा अरे बहुत अच्छा है। विच कंटिन्यूज टू प्लेग इंडियाज़ ग्रोथ फिगर्स। तो कोविड-19 में जो ग्रोथ नहीं हुआ है वो अभी इंडिया के डेटा के, वो जो इंडिया के डेटा को बहुत अच्छा दिखा दे रहा है। ऑल दो लेस प्रोनाउंस इन फाइनेंशियल ईयर 24 द बेस इफेक्ट हैज अ रोल इन कंपेरेटिव स्टेटिस्टिक्स ड्यू टू स्पोरैडिक ग्रोथ इन द ईयर्स फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। एडिशनली वन मस्ट कंसिडर वेदर द प्रपोज सपोजिडली कूल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए डब्ल्यू पी आई की भी बात होगी इस आर्टिकल में, सी पी आई की भी बात होगी इस आर्टिकल में। कैन बी सस्टेन्ड एट करेंट लेवल्स विद द इम्पेंडिंग डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपीज अगेंस्ट डॉलर ड्यू टू कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम द RBI रिलक्टेंस टू रेज इंटरेस्ट रेट। इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर एंड इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट कंसिस्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम हुज प्राइस सीम टू बी राइजिंग ड्यू टू सऊदी $100 पर बैरल पुश एंड रुपीज डेप्रिशिएशन। अब देखिए इंडिया आपका नेट इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया किसका करता है, क्रूड ऑयल का करता है। तो क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, सऊदी का जो प्राइस है आपका $100 पर बैरल, एक ये कारण है, और दूसरा कि आपका रुपीज़ डेप्रिशिएट कर रहा है, इस कारण के वजह से चीज़ें और हमारा इम्पोर्ट हमारे लिए ईजी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है। अब आप पूछेंगे रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो उससे क्या, देखिए आज मानिए रुपीज़ है 80 रुपीज़, ठीक है, और आप बाहर खरीदने जा रहे हैं तो $1 अगर खरीद रहे हैं आप, एग्जांपल कोई चीज़ $1 का मिल रहा है तो आप यहाँ पे 80 रुपीज़ दे रहे हैं, $1 का वो सामान ले ले रहे हैं। अब मानिए यही चीज़ रुपीज़ और डिप्रिशिएट हो गया तो ₹90 हो गया, ठीक है। अब आपको वही $1 खरीदने के लिए ₹90 अपने जेब से देना पड़ेगा, तभी कन्वर्ट होगा $1 में, तब आप वो चीज़ खरीद पाएंगे। तो रुपीज़ डिप्रिशिएट होने से जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, ये बताने की बात हो रही है। तो यहाँ पर यही बोला गया जिसके वजह से अपना ये प्रॉब्लम हो रहा है। द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ डीजल अ प्रॉक्सी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया फेल बाय 3% इन ऑगस्ट विच इज सस्टेन्ड डज नॉट पेंट अ रोजी ग्रोथ पिक्चर फॉर अ कमिंग क्वार्टर। रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, अब देखिए टैक्सेस से रेवेन्यू जो हो रही है गवर्नमेंट की। मोर ओवर द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स हैज वीकेंड ओवर द प्रीवियस क्वार्टर वाइल द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो घटा है और इन डायरेक्ट टैक्स जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग रहा है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जो आपका इनकम पे डायरेक्ट लगता है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपका GST हो गया। तो मतलब कंजम्पशन हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स हो रहे हैं, इंडिकेटिंग अ के शेप पैटर्न। अब देखिए के शेप पैटर्न रिकवरी ये होता है कि कोई सेक्टर तो आपके बूस्ट करेंगे जो ऊपर आपका दिखा रहा है, और कोई सेक्टर आपके बूस्ट नहीं करेंगे। द इनकम स्ट्रीम्स द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मोर सिग्निफिकेंट टैक्स बर्डन ऑन दोज हायर ऑन द इनकम लैडर सीम्स टू बी लैग कंपेयर टू इट्स रेग्रेसिव काउंटरपार्ट। देखिए अब टैक्सेशन यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्रेसिव की, ठीक है, और रेग्रेसिव की। अब बताइए गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा इसमें इन दोनों में से खराब कौन सा है, रेग्रेसिव खराब होता है, प्रोग्रेसिव अच्छा होता है। रेग्रेसिव आपका ऐसा होता है बर्डन सब पे, मतलब आपको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया वो आपका रेग्रेसिव हो गया। आप अगर 1,000 रुपया कमा रहे, चाहे आप 1,000 करोड़ कमा रहे, आपको वो पैकेट जो बिस्किट का मिलेगा 100 रुपये का ही मिलेगा,
तो उसके ऊपर टैक्स लगा के 100 रुपया हुआ है, चाहे आप 1,000 कमा रहे, 1,000 कमा रहे या 1,000 करोड़ कमा रहे, तो ये हो गया। और पर प्रोग्रेसिव आपका हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐसा हो गया कि जिसका कम इनकम है उसके लिए कम टैक्स है, जिसका ज़्यादा इनकम है उसके लिए ज़्यादा टैक्स है। तो ये यहाँ पे ये टैक्स की बात हुई है। अ म्यूटेड ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड इन एन इकोनॉमी बूस्टेड द सर्विस इंडस्ट्री इन अ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी विच रिमेन अनएक्सप्लेन इन द प्रपोज जीडीपी ग्रोथ स्टोरी। डायरेक्ट एंड पर्सनल टैक्सेस, देखिए डायरेक्ट एंड पर्सनल टैक्सेस शुड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज हैव ग्रोन क्लोजर टू नॉमिनल ग्रोथ रेट देन इट इज करेंटली। नैरोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंडिकेट्स फोर्स ऑस्ट्रेसिटी मेजर्स एज द गवर्नमेंट इन इंटेंट टू कंट्रोल द बजट डेफिसिट। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जा रहा है हमारे लिए, बजट डेफिसिट, ठीक है। एंड हेंस द इंटरेस्ट रेट देयर फॉर, और किसको कंट्रोल करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इसको कंट्रोल करना है। देयर फॉर ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24 स्टीमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर सीम्स टू बी अ पाइप ड्रीम। मतलब जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगा 2024 में, उसको बोला जा रहा है थोड़ा सा कम करेगा। अब देखिए यहाँ पे बजट डिफिसिट क्या हो गया, जितनी कमाई हो रही है अपनी उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा कम करेगा। पाइप ड्रीम खर्चा कम, पाइप मैं यहाँ पे इसको एज्यूम कर रहा हूँ खर्चा कम ही करेंगे, पर हाँ यही चीज़ है इसका मतलब, पाइप ड्रीम खर्चा कम करेंगे डेफिसिट को कम करने के लिए और इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए दी नॉन्स्ट अप्रोच इन कंक्लूजन आफ्टर मेटिकुलस एनालिसिस ऑफ इंडियाज क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 इकोनॉमिक ट्रांसक्रिप्ट इट बिकम्स पाल्पेबल दैट द रिपोर्ट ग्रोथ नैरेटिव माइट बी समवॉट ओवर ओवर पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, भाई क्या ही मतलब क्या बोला जाए, ये वर्ड वैसे डिक्शनरी में देख लीजिएगा। द डाइवर्जेंस इन ग्रोथ फिगर्स ब्रॉट फोर्थ बाय द इनकम टैक्स एंड एक्सपेंडिचर अप्रोचेस मैनिफेस्टेड अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द वेरासिटी ऑफ प्रोमलगेटेड ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव। भाई मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है, ये इनका जो तरीका है काउंट करने का वो कुछ तो उसमें गलत हो रहा है ना, तभी ना उसमें डेटा सेम नहीं आ रहा है। मोर एवर द अनिंग ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी नॉन प्रेमेटरी एडजस्टमेंट कॉन्स्पिशियस फ्लक्चुएशंस इन टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम सिग्नल्स अ कॉशियस ट्रेजेक्टरी। एडिशनली द एप्रीहेंसिव आउटलुक ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द पोटेंशियल फिस्कल कंस्ट्रेंट पेंट आर्ग्यूएबल मोर रिस्ट्रेंट पिक्चर देन अ इनिशियल पोर्ट्रेट। देयर फॉर इट सीम्स प्रूडेंट टू असर्ट दैट इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस ऑल दो शोइंग साइंस ऑफ रेजिलियंस डज नॉट क्वाइट इमर्ज एज अ अनइक्विवेबल सक्सेस स्टोरी डिपिक्टेड इन इनिशियल ऑब्जर्वेशन अर्जिंग अ मोर नॉन्स एंड क्रिटिकल अप्रोच इन असेसिंग अ ट्रेजेक्ट्री अहेड। तो देखते हैं इस आर्टिकल में, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने जैसे कि प्राइस डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन, रियल ग्रोथ, बेस इफेक्ट, ठीक है, और आप देखिए एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, एनएसओ, और आपका क्या गया, आपका जीडीपी, ठीक है, और एल नीनो यहाँ पे आ जा रहे पिक्चर में, और आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और ये नेट इम्पोर्टर इंडिया को जो बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, इसका इम्पोर्ट के ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है, और आप देखिए टैक्स रेवेन्यू में आप देखिए डायरेक्ट टैक्स आ जाता है आपका, ठीक है, ऊपर में इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। देखिए एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, रिग्रेसिव टैक्सेशन हो गया काउंटर पार्ट उसका, जैसा ये होता है मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है आपका डायरेक्ट इनकम, और ये रिग्रेसिव टैक्स होता है आपका अरे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये मैंने आपको बताया गरीबों के लिए ये हार्मफुल होता है, और ये ठीक है, ये सबके लिए सही है। और दूसरी बात रही इस आर्टिकल में, ये जो जो मेन सारे पॉइंट्स है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा होगा तो आप प्लीज़ देखिएगा, पूरे आर्टिकल को हमने देख लिया है। एक जगह हमने ये भी पढ़ा था, देखिए एक जगह WPI भी पढ़ा था, CIF
सीपीआई पढ़ाया है हमने, मार्क भी कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और जीडीपी, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, ठीक है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, और इसका इम्पैक्ट किस पे, इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये रुपीस का, ठीक है, और जीडीपी के थ्री कैलकुलेशन कैसे उसके होते हैं, एनएसओ करता है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, और प्राइस डिफ्लेटर क्या हो गया आपका, अब रियल ग्रोथ क्या है, रियल ग्रोथ वर्सेस नॉमिनल ग्रोथ, ठीक है, और आपका बेस इफेक्ट क्या है, ये बहुत बेसिक्स टर्म है इकोनॉमी के। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, और एग्ज़ाम छोड़िए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, आप ये सब पता करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको कहीं पे चीज़ें नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको बिल्कुल बेसिक्स, एक बिस्किट के पैकेट के एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स है, कोई इसमें मतलब ऐसा कोई आपको डाउट नहीं रहेगा एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।